हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने गेम को ओपन करते हो एंड गेम ओपन करने के बाद आपको ये वाला प्रॉब्लम आता है डाउनलोड फेल्ड रिट्राई नाम का ऑप्शन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में होता है क्या कि जैसे ही आप अपना गेम को ओपन करते होगे तब आपको फर्स्ट में ही डाउनलोड फेल्ड रिट्राई नाम का प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। उसके बाद जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते होगे आपको दोबारा से यही वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है डाउनलोड फेल्ड रिट्राई, मतलब कि आपका जो गेम है यहाँ पर लोड नहीं होता और ना ही आपका गेम स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी देख सकते हो जो कि मेरा मोबाइल का डेटा ऑन है फिर भी मुझे गेम के अंदर डाउनलोड फेल्ड रिट्राई नाम का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपके साथ भी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे गेम को ओपन कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट इन तक वॉच करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने बाद आपको फर्स्ट में सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप जो भी सिम यूज करते हो वो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने बाद आपको नीचे में एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा एंड आपको ऊपर में या नीचे में आपको टू डॉट देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने बाद आपके मोबाइल का नेटवर्क जो है एक बार रिसेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बैक आ जाना है। बैक आने बाद आपको क्या करना है कि फ्री फायर पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करोगे आपको ऐप इन्फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको स्टोरेज यूज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको नीचे में क्लियर कैचेस का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्लियर कैचेस कर देना है। जब आप इतना कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल को 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देना है। 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देने के बाद आपको मोबाइल को ऑन करना है। उसके बाद जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करके फ्री फायर ओपन करोगे उसके बाद जो आपका गेम है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई भी शुरुआत में डाउनलोड फेल्ड रिट्राई नाम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखेगा, आपका आसानी से गेम ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा कितना जल्दी गेम जो है स्टार्ट हो गया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको जो गेम के अंदर डाउनलोड फेल्ड रिट्राई नाम का प्रॉब्लम आ रही है आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, बस आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।